हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास विद्या क्लास में। तो आज है 13 तारीख और हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं 13 तारीख का करंट अफेयर्स। तो बिना आपका समय ख़राब करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके लिए कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण के दौरान किस राज्य या प्रदेश में, ये केंद्र शासित प्रदेश होगा, में लिथियम के भंडार की खोज की गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्वेश्चन। तो जम्मू कश्मीर आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है आपका, तो जम्मू कश्मीर आपका आंसर हो जाता है, जहाँ पर लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। लिथियम के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। लिथियम पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का तीसरा तत्व है, जो कि एक धातु है, और लिथियम सबसे हल्की धातु है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। और लिथियम का प्रयोग आपके मोबाइल की बैटरीज और जितने भी आजकल इलेक्ट्रिक अप्लाइंस चल रहे हैं, उन सबकी बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ किया जाता है, बैटरी में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसरो ने किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? यस, तो SSLV-D2 रॉकेट के द्वारा आपका ये कार्य किया गया है, ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए बुनियादी ढांचा संस्थान ने कितने मिलियन बॉन्ड की शुरुआत की योजना बनाई है? तो 610 मिलियन डॉलर आपका इसका आंसर होने वाला है, ठीक है जी। हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? तो दुनिया में 5वां स्थान आप दिया गया है किसे, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को, यस, ये आपको ध्यान में रखना है। MRF के किस को मिला ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि MRF जो है आपकी संस्था, उसमें ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो KM मेनन को इससे सम्मानित आपका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा किस ओरिजिन के न्यू ग्लेंड पर मंगल मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा जो है हमारा, वो ब्लू ओरिजिन में क्या करेगा, मंगल मिशन को लॉन्च करने वाला है। हाल ही में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने कौन सा ओपन खिताब 2023 जीता है? तो केन्या लेडी ओपन खिताब 2023 आपका अदिति अशोक जी ने जीत लिया है। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस विषय वस्तु पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति जी ने मूल्य निष्ठ समाज की नींव, महिलाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आने की संभावना पूरी पूरी है, पर आपका विषय वस्तु पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कौन से गेंदबाज सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन आपके 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं, ठीक है जी। स्पिनरों में अगर बात की जाए तो सबसे अधिक विकेट किसने लिए हैं आपके, मुथैया मुरलीधरन जी ने लिए हैं, जो कि श्रीलंका के आपके क्या हैं, बॉलर रहे हैं। और अगर फास्ट बॉलर्स में बात की जाए, तेज गति गेंदबाज में बात की जाए, तो इंग्लैंड के केविन पीटरसन का नाम आपका सामने आता है, ठीक है जी, ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस और किसने डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। NFSU इसका आंसर हो जाता है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है जी। आपको बता दें कि जो GST काउंसिल है आपकी, इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसके अंतर्गत आते हैं, 2 प्रकार के टैक्स इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी, चलेगा। इसके साथ ही आप इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या क्लास बिजनौर या फिर हमारे ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।